सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और भाई आज हम फैमिली के साथ जा रहे हैं बाहर ट्रिप पे। तो भाई ये पूरा व्लॉग होने वाला है ट्रिप का। तो भाई अभी मैं जस्ट उठा ही था, तो अभी नहा धो के एक बार मंदिर उंदिर जाऊंगा अच्छे से। और भाई हम जा रहे हैं शिरडी, मेरी फ्लाइट है अभी 11 बजे की। 11 बजे तक मेरे को पहुँचना है एयरपोर्ट पे, मेरी 1 बजे की फ्लाइट है। तो मैं, मेरी सिस्टर, मेरी मम्मी, मेरे पापा, हम चारों के चारों जा रहे हैं घूमने, शिरडी दर्शन करने भगवान जी के। तो चलो आपको दिखाता हूँ। अभी मैं एक बार नहा धो लूँ अच्छे से, फिर मंदिर जाऊँगा, फिर सीधा चलते हैं एयरपोर्ट पे, दिखाता हूँ आपको। तो भाई बस रेडी हो चुके हैं, बस अब निकले मॉल में, बाल बाल सेट करके अपने प्रॉपर, फिर आपको दिखाता हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ, बस रेडी होकर सीधा मंदिर जाऊँगा, मंदिर जाकर आपको दिखाता हूँ। ठीक है ना, बाहर जाते हो। तो गाइस अभी मंदिर जा रहे हैं, मंदिर में जाके दर्शन वगैरह करके अच्छे से फिर निकलते हैं अपना एयरपोर्ट के लिए। अभी घर के नीचे 10-15 मिनट में बस कैब आने वाली है, तो मैंने बोला, मैंने कहा मैं एक बार मंदिर हो जाता हूँ, क्योंकि यार ट्यूसडे है तो मैं बालाजी को बहुत ज़्यादा मानता हूँ, तो मैं हर ट्यूसडे मंदिर जाता ही जाता हूँ चाहे कुछ भी हो। तो अभी आपको दिखाता हूँ एक बार मंदिर में जाके, जल्दी से वहाँ से फ्री हो गए फिर वहाँ पहुँचना। भाई अलग ही भाई बाकी मंदिर में आती तब बढ़िया लग रहा है ना, अब मेरे दर्शन हो गए अच्छे से बालाजी महाराज से, अब ट्रिप पूरी अच्छे से जाएगी बढ़िया तरीके से। अभी मैं थोड़ा बहुत यार घर पे जाके ब्रेकफास्ट करूँगा, मैंने कुछ भी नहीं खा रखा, खा पी के अब नीचे कैब वैब आ जाएगी, फिर सब रेडी हो ही चुके हैं, नीचे उतरेंगे फिर अपना सीधा एयरपोर्ट पहुँचते हैं, फिर वहाँ से आपको दिखाता हूँ आगे की जर्नी कैसे क्या है। हम जा रहे हैं शिरडी सारे, मैं बता चुका पहले, दोबारा बता रहा हूँ कि हम अपने शिरडी जा रहे हैं सारे के सारे घूमने फैमिली वाले। सो वी आर रेडी टू गो, और अब हम जा रहे हैं। मम्मी आ जाओ, मम्मी तैयार हो चुकी है अच्छे से, बिल्कुल रेडी। तो बैगेज वगैरह हमारे आ चुके हैं, अब हम सब बस निकल रहे हैं, कैब का वेट कर रहे हैं, कैब आने वाली है, फिर निकलते हैं आपको दिखाते हैं। अभी बस आ ही चुकी है कैब, नीचे आ गए थे हम, कैब का वेट कर रहे थे, आ गई कैब, अब बैठते हैं कैब में, फिर दिखाता हूँ। पापा आ गए, वही हम आ चुके हैं एयरपोर्ट पे, तो अब आपको दिखाते हैं। ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, ठीक है। हाँ जी, रेडी टू फ्लाई। बस अभी अंदर जा रहे हैं, अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। कैसे जाना है, चलो। सो वेलकम टू एयरपोर्ट, बैग का वेट वगैरह करा लूँ। तो अब बैग का वेट वगैरह होगा, वो आपको दिखाते हैं। किधर से कराना है, अभी लगेज चेक होगा, किधर होगा, तो आपको लगेज चेक करा लूँ मैं, फिर आगे दिखाता हूँ। फिर यहाँ से बोर्डिंग पास आएगा, बोर्डिंग पास आ रहा है, हमारा लगेज भी ज़्यादा नहीं है क्योंकि 2-3 दिन की ट्रिप है बस। दिखा दूँ आपको, आ चुका, खाली है एयरपोर्ट पे, इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। आ गई ना टिकट, सो लेट्स गो। हमने लगेज सारा दे दिया, अब बस अपना फ्लाइट का वेट करेंगे। अभी बहुत टाइम है यार, हम बहुत जल्दी आ चुके हैं, अभी लगा लो अभी 1-1.5 घंटा है फ्लाइट में आने में, सामान वगैरह सब कुछ जा चुका है। जाके या तो कुछ खाएंगे, भूख लग रही है क्योंकि सुबह से
दो रोटी खा के आया, तो अब भूख लग रही है, तो आगे जाते हैं, आपको दिखाते हैं आगे जाके खाते पीते हैं। और सो खा पी लिया अच्छे से, अब यहाँ से बस निकलेंगे, बोर्डिंग का टाइम हो चुका है, बस आधे घंटे के अंदर यहाँ से निकल के फिर आपको प्लेन में दिखाता हूँ। सो दिस वन इज बोर्डिंग लाइन, तो अब बोर्डिंग लाइन में जा रहे हैं। कम यार, यहीं से जाना है। अभी कितनी देर है बोर्ड होने में? 35 मिनट। जल्दी आ गए हूँ फिर भी। वी आर वेटिंग फॉर बस, बस अब सीधा एयरप्लेन। सो गाइज आ चुके हैं हम, अब बस ऊपर जाएंगे, आपको ऊपर जाके दिखाऊंगा। लेट्स गो। हाँ guys, we are ready to fly. For the time lapse. ड्राइवर, हमारे होटल का ड्राइवर आ रहा है अभी, उसके लिए वेट कर रहे हैं, फिर जाते हैं होटल में, थोड़ा रेस्ट करेंगे होटल में जाके, फिर शाम को देखते हैं दर्शन करने जाएंगे। सुबह आ चुकी है टैक्सी, अब हम निकल रहे हैं अपना होटल की तरफ। तो मेरे फोन में 1% बैटरी स्विच ऑफ भी नहीं हो रहा। होटल में आ चुके हैं, बस अब चेक इन करेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर अपना मंदिर में जाते हैं दर्शन करने। अब दिखाता हूँ ऊपर जाके, बस रूम में चेक इन करते हैं। आदत होती है बैठे बैठे, तो देखिए ना आराम से मिलते हैं, बिल्कुल आराम भी मिलते हैं, बैठ के आराम से रेस्ट करूँगा।
सो अब हम मंदिर जा रहे हैं, रेडी हो गए थे सारे। मेरे से तो भाई, मैंने तो बस फेस वॉश करा है, मेरे से बार 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 कपड़े नहीं चेंज होते। अब बस जाते हैं मंदिर। मेरे पास है एक बंदा जो बहुत ज़्यादा कपड़े चेंज करता है, वो व्लॉग देखेगा तो खुद ही समझ जाएगा। तो चलो अब चलते हैं। आते ही पूरा रूम मेस्ड अप हो गया था। अब बस निकल रहे हैं। रेडी, चलो चलते हैं। लेफ्ट से जाना है, एक फ्लोर ही तो नीचे है, सबके लेफ्ट से जाना है। आ जाओ आप लोग, मैं पैदल ही आऊंगा। क्या मैं आपके साथ लेके जा रही हूँ? सीढ़ियों से नहीं चल सकते? नो, चलो दबा दो ग्राउंड। तो मंदिर चलते हैं, आपको दिखाते हैं आगे क्या है। हमारी होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो अब सीधा हम मंदिर में जा रहे हैं। और यहाँ पे ना जितने भी हैं आगे, देखो सारे होटल्स हैं लाइन से, सारे के सारे बिल्कुल खाली पड़ा है यहाँ पे। वैसे तो चलते हैं अपना आगे। बस यार भीड़ भीड़ ना हो, क्योंकि अभी ना सीज़न चल रहा है तो लोग आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे भीड़ नहीं होगी तो अच्छा ही है। चलते हैं, सामने ही है वो। तो भाई आ चुके हैं मंदिर पर। ये है भाई साईं बाबा का मंदिर, मेन मंदिर है यहाँ पे। गाइस बहुत सारी शॉप्स हैं कि अगर आपको आके शॉपिंग करनी हो, भगवान जी के लिए कोई भी सामान वान लेना हो तो बहुत बढ़िया है यहाँ पे। यहाँ पे मेन है कि अगरबत्ती वगैरह बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है, खुशबू की चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, पेड़े बहुत हैं यहाँ पे। मतलब ओवरऑल कि अगर आप इतनी दूर से आ रहे हो तो बढ़िया है। कि आपको ये नहीं है कि हाँ, वेलकम बैक टू दी रूम। तो आ चुके अपने रूम में घूम घूम के, और सारे रेस्ट कर रहे हैं अपना, खाएंगे पियेंगे आज अपना आराम से रेस्ट करके। फिर सुबह 4 बजे निकलेंगे, सुबह 4 बजे फिर जाना दर्शन करने के लिए, दर्शन हॉल में नीचे। हमारे होटल से ज़्यादा दूर नहीं है, आप ही लगा लो 5 मिनट की दूरी पे होगा, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। पर हम वॉकिंग डिस्टेंस पे जाते नहीं हैं, तो हम वो कर लेते हैं अपना रिक्शा वगैरह। बट जो भी है बढ़िया भाई, बहुत अच्छे दर्शन है, मस्त, कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी नहीं आई, सब अच्छे से हो गया। बस अब आपको कल दिखाते हैं कल का क्या रहता है क्या नहीं। देखो कैसे देख रहे हैं। कल दिखाते हैं आपको क्या रहता है। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।